हेलो स्टूडेंट, आज एमसीक्यू करेंगे। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ये, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के। तो देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें हमें क्या गिवन है। टू सब्सटेंस डेंसिटी रो वन एंड रो टू एंड आर मिक्स्ड इन इक्वल वॉल्यूम एंड द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मिक्सचर इज़ 4। तो सिर्फ अभी हमें यहाँ तक ही पढ़ेंगे इसको, ठीक है, आगे नहीं जाते क्वेश्चन को, सिर्फ यहाँ तक रखिए, ठीक है। तो टू सब्सटेंस है जिसकी डेंसिटी रो वन रो टू एंड इक्वल वॉल्यूम है, मैंने दोनों के वॉल्यूम सेम मान लिए क्वेश्चन में, मैंने दोनों के वॉल्यूम ये सॉल्यूशन में सेम ले लिए, वी ले लिए। डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो पहले का मास एम वन है, वॉल्यूम वी है, दूसरे का डेंसिटी रो टू मास टू है, वॉल्यूम वी है, क्योंकि वॉल्यूम सेम है, मास सेम नहीं है। तो जो डेंसिटी मिक्सचर होती है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम होता है, ये टोटल मास है और ये टोटल वॉल्यूम है। पहले में से मास यहाँ से निकाल दिया, रो वन इंटू वी आ गया, रो टू इंटू वी आ गया अपॉन जो हमारा है वी प्लस वी टू वी हो गया, तो वी कॉमन आके ये आ गया। यानी पहली कंडीशन में रो मिक्सचर आपको दिया है, दैट इज़ 4। तो यानी हमारी जो पहली इक्वेशन हम साइड में लिख लेते हैं, 4 इज इक्वल टू रो वन प्लस रो टू बाई टू। तो मैं इक्वेशन सॉल्व नहीं करने वाला, मैंने जस्ट इक्वेशन बनानी है, ठीक है। अभी मैं सेकेंड बात करूँ तो सेकेंड केस में, जो सेकेंड केस है इसमें थोड़ा सा अलग दिया है। उन्होंने कहा दे आर मिक्सड इन इक्वल मासेस, मासेस सेम है। तो यानी मैं मासेस सेम है तो डेंसिटी, तो मास अपॉन वॉल्यूम होती है, मास सेम है तो इसमें वॉल्यूम अलग अलग है, एक में वॉल्यूम V1 है, एक में वॉल्यूम V2 है, तो ऐसे ही रो टू आ जाएगा, दैट इज़ MyV2, ठीक है सर। तो इसमें हम डेंसिटी और मिक्सचर, तो फार्मूला वही है, इसमें मास सेम है तो मास सेम है तो ऊपर एम प्लस एम टू एम कर दीजिए, तो वॉल्यूम अलग अलग है, यहाँ पर V1 प्लस V2 आएगा। तो V1 की जगह क्या लिख सकते हैं, M/ρ1 प्लस M/ρ2। ये समझ में आया कि नहीं आया, इसको ध्यान से देखो। मैंने ये क्या किया है, डेंसिटी ऑफ मिक्सचर मास अपॉन वॉल्यूम लिखा है, M1 प्लस M2 दोनों ही M है, वॉल्यूम V1 प्लस V2, तो V1 और V2 को एलिमिनेट कर दिया है M1/ρ1 और M/ρ2 से। जब इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका जो रो मिक्सचर आएगा फाइनली, वो आ गया आपका 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2, ठीक है, 2 ρ1 ρ2 अपॉन ρ1 प्लस ρ2 ρ1 प्लस ρ2। तो ये मुझे लिखा नहीं जा रहा, तो आपको तो समझ में आ गया। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है सर, इसकी वैल्यू दी है 3। तो ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा। यानी आपके पास दो इक्वेशन, एक तो ये वाली और एक ये वाली, दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिए और वन एंड टू मुझे कैलकुलेटर लिख के भेज दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सॉलिड स्फीयर्स एंड बी ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, इनका दोनों का वॉल्यूम सेम है, क्वेश्चन में गिवन है। तो दोनों का वॉल्यूम सेम होने के कारण डिफरेंट डेंसिटी है, तो ये एक चीज़ ऊपर है तो एक चीज़ नीचे है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे होता है, जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाता है। और कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग, रस्सी से बांधी हुई है, दे आर फुली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड ऑफ डेंसिटी df, इसकी डेंसिटी df है फ्लूइड की सारी की, दे गेट रेंज इनटू एन इक्विलिब्रियम स्टेट एज शोन। तो यहाँ पर ये इक्विलिब्रियम में है, तो विद अ टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन होगी क्योंकि खींचा हुआ है दोनों में से, द अरेंजमेंट इज पॉसिबल ओनली इफ। तो ये तीन इक्वेशन, बी ऑप्शन, आपको तीनों ऑप्शन को सॉल्व करके देखना है। तो स्टूडेंट देखो, दो तीन चीज़ें तो बिल्कुल क्लियर हैं, जो डेंसिटी ए है और डेंसिटी बी और डेंसिटी एफ, तो तीन चीज़ें आपको दी हुई हैं। डेंसिटी डी एफ ग्रेटर होगी डी ए से, तो अगर ये नहीं समझ आता तो मैं इक्वेशन भी बना दूंगा, लेकिन एक चीज़ तो बिल्कुल आराम से कंक्लूड है, जो बी की डेंसिटी है वो फ्लूइड से डेंसिटी ज़्यादा, तो ही वो डूबा हुआ है, नहीं तो वो डूब नहीं सकता था, इसको कोई कंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही सही है, डेंसिटी ऑफ बी इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो ये तो पता लग गया होगा, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा तो ये डूबेगा पानी में, तो इसकी डेंसिटी तो ज़्यादा ही है, इसकी डेंसिटी अगर कम भी हो पानी से तो भी तो ये ही इसको नीचे लेकर आएगा, यानी इसकी डेंसिटी तो पक्की ज़्यादा। अब रहेगी पानी और इन दोनों की डेंसिटी में रिलेशन, तो सबसे पहले ना अब ए का इक्विलिब्रियम बना के देखते हैं। ए पे जो ऊपर लग रहा है, एक तो वो पानी के कारण अपथर्स लगेगा, ठीक है सर। तो देखो, बॉडी की अवे टेंशन होती है, अगर ए के लिए कंसीडर करें तो टेंशन अवे है, बॉडी ए का जो वेट है वो भी नीचे एक्ट होगा, यानी MgA, ठीक है, MA × g, मुझे लगता है क्लियर है, वेट इसका, यानी वेट ऑफ ए लिख देता हूँ, थोड़ा इजी हो जाएगा। तो पहली इक्वेशन में बनाऊँ तो अपथ्रस्ट ऑन ए इज इक्वल टू वेट ऑफ ए प्लस टेंशन, पहली क्वेश्चन ये बनी। अब थ्रस्ट होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस, तो वॉल्यूम तो दोनों का सेम ही है, जितना इसके खुद की बॉडी का वॉल्यूम उतना ही इसने पानी इधर उधर किया है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस यानी डेंसिटी, वेट होता है मास इंटू ग्रेविटी, इसको याद रखना, मास इंटू ग्रेविटी। तो मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम
इनटू ग्रेविटी। तो अब हम आप थ्रस्ट लिक्विड के बारे में होता है तो डेंसिटी लिक्विड की आएगी, तो लिक्विड की डेंसिटी हमें डीएफ दी है, तो वॉल्यूम तो सेम ही है इनटू जी। वेट ऑफ बॉडी, डेंसिटी ऑफ बॉडी एक ही ए दी है, वॉल्यूम सेम है क्योंकि उतना ही पानी डिस्प्लेस किया जितना उसका खुद का वॉल्यूम है, प्लस टी। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। चलो सर ठीक है, दूसरी इक्वेशन बनाएंगे। तो हमको मालूम है, अब मैं इसकी बात करूँ तो हम सिर्फ अब सेकंड की बात करते हैं, बी की। बी के केस में जो टेंशन है वो कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है? सर ऊपर है, अवे होती है, देखो बॉडी से अवे है। तो अप थ्रस्ट भी ऊपर है, यानी अप थ्रस्ट भी बी पर ऊपर है। इसका वेट कहाँ है? सर इसका वेट नीचे है। तो इसकी क्वेश्चन थोड़ी सी अलग बनेगी। वेट ऑफ बी, यानी अगर वेट ऑफ बी डालूँ तो वेट होएगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ बी इंटू जी इज इक्वल टू कितना, जो हमारा आ गया अप टेंशन प्लस अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट कितना है इस पर? डी बी वॉल्यूम वी इंटू जी, क्योंकि दोनों का वॉल्यूम सेम है, ए और बी का, और लिक्विड डिस्प्लेस का भी उतना ही। सेकेंड इक्वेशन, अब इन दोनों का आप रीअरेंज करेंगे, इनको माइनस कर दीजिए, जैसे मैंने इसमें माइनस डाल दिया इधर, तो मेरे पास थोड़ी सी जगह कम है तो थोड़ा सही नहीं आएगा, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पर माइनस डाला, यहाँ पर माइनस डाला, और यहाँ पर माइनस डाला, और ये डाल दी। इसमें से माइनस करोगे तो देखो वी तो कॉमन आ जाएगा और जी भी कॉमन आ जाएगा, डी एफ माइनस डी बी बच गया, वी जी कॉमन आ गया, डी एफ माइनस डी बी बच गया। ठीक है, तो मुझे लगता है ये क्लियर है। ठीक है, डी एफ माइनस डी बी लिखा इक्वल टू टी, और टी कैंसिल हो गया, इसमें से भी वी जी कॉमन आ गया, यानी डी ए माइनस डी बी आ जाएगा, डी ए माइनस डी बी, वी जी कॉमन आ गया, और वी जी ने वी जी को मार दिया दोनों साइड। तो हमारे पास यहाँ से इसको क्रॉस करोगे तो हमारे पास कैलकुलेशन आ जाएगी, कोई गलती नहीं हुई, ये चेक कर लेना एक बार। यहाँ पर गलती हुई है, देखो ये डी बी नहीं है, ये एक्चुअल में अप थ्रस्ट था, अप थ्रस्ट ऑन बी, तो यहाँ पर डेंसिटी बी की नहीं आएगी, यहाँ पर किसकी आएगी? फ्लूड की। तो यहाँ पर डी एफ आएगा। ठीक है, दोबारा से बताऊँ, ये दूसरी क्वेश्चन देख लो, इसका वेट नीचे है ना, तो वेट तो मैंने यही डाल दिया था, वॉल्यूम डेंसिटी इसकी और ग्रेविटी, टेंशन ऊपर अप थ्रस्ट में इसकी डेंसिटी थोड़ी नहीं आएगी, फ्लूड की आएगी, तो यहाँ पर डी एफ आएगा। ठीक है सर, तो यहाँ पर जो मेरा डी एफ आ गया, तो वी जी, वी जी ने काट दिया, तो मैं आगे करूँगा, तो जो मेरी फाइनल आंसर आ जाएगा, मैं इसको फर्स्ट को रब कर देता हूँ, फर्स्ट एंड सेकेंड जो इक्वेशन है, तो मैं ये लिख सकता हूँ डी एफ प्लस डी एफ टू डी एफ इक्वल टू डी ए प्लस डी बी। सर ये कैसे आया? देखो ये यहाँ पर ये डी एफ है, ठीक है, ये डी एफ इधर जाएगा, माइनस का प्लस का हो जाएगा टू डी एफ, ये डी बी यहाँ आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो डी ए प्लस डी बी हो गया, यानी मेरा ये ऑप्शन भी क्या सही हो गया। हाँ सर, टू को यहाँ से काट दो और ये कैंसिल हो गया, यानी ये ऑप्शन भी सही है। ठीक है सर, तो दो पार्ट ठीक हैं, अब रह गया इन दोनों में से कौन सही है। तो हम कोई सी भी इक्वेशन, जो हमारी इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन चेक करें, जो है वी डी एफ जी इज इक्वल टू टी प्लस वी डी ए जी, ये वाली इक्वेशन चेक करें, तो इसे साफ कंक्लूड होता है अगर टेंशन ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है, तो डी एफ शुड बी ग्रेटर देन डी ए। तो ये अगर कंडीशन है तो डी एफ इज ग्रेटर देन डी ए है, तो यानी पार्ट ए भी हमारा क्या हो गया? सही हो गया। तो इसके तीन पार्ट सही हो गए, सी सही नहीं है, बस तीन, ये मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था तो कोई भी आ सकता है। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन है, अ लिक्विड एक्स ऑफ डेंसिटी 3.36 तो इज पॉर्ड इन टू यू ट्यूब विच कंटेन्स एच जी, अनदर लिक्विड वाई इज पॉर्ड इन लेफ्ट आर्म विद हाइट 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है, अपर लेवल ऑफ एक्स एंड वाई आर सेम, इन दोनों का अपर लेवल दोनों का सेम है, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ जी वाई। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में ना आप बॉटम डेटम लाइन खींचते हैं, तो डेटम लाइन जो भी दोनों साइड में मरकरी का लोअर लेवल है वो होती है, तो ये डेटम लाइन है हमारी। ठीक है सर, तो डेटम लाइन के ऊपर यहाँ पर यानी मरकरी आ गया आपका, तो यानी ये जो मरकरी है, जो इधर मरकरी आ गया, आपने करना है डेटम लाइन पे प्रेशर इक्वेट कर देने, तो इस पे जो प्रेशर होगा वो होगा रो जी एच, प्रेशर होता है रो, ये वाई है रो वाई जी, हाइट ऑफ वाई कितनी है 8 सेंटीमीटर, प्लस रो ऑफ मरकरी जी, हाइट ऑफ मरकरी मालूम नहीं है, दैट इज 2 है, पता है ना, देखो ये 10 और 8 हुआ है, यानी यहाँ पर कितना रह गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, ये 2 आ गया, इक्वल टू यहाँ पर तो सिर्फ है ही लिक्विड है, तो रो ऑफ एक्स जी एंड हाइट कितनी है इसकी 10 है। तो मुझे लगता है आप सबको, आपको मालूम है एक्स की डेंसिटी गिवन है,
कितनी है 3.36, इसकी जगह 3.36 डाल दीजिए, ठीक है। वाई की हमने निकालनी है तो डेंसिटी ऑफ ये इसकी 13.6 ले लीजिए। सर ये 13.6 क्यों ले रहे हो? क्योंकि मेरे सारा क्वेश्चन CGS में कर देना है, GG तो देखो कैंसिल ही हो जाने सबके, जी की तो वैल्यू एलिमिनेट करनी नहीं है, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर था, ये 2 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, तो अपने आप रो वाई आ जाएगी CGS सिस्टम में। यानी मैंने रो वाई निकालनी है इंटू 8 प्लस 13.6 इंटू 2 इज इक्वल टू 10 इंटू रो एक्स की वैल्यू कितनी थी 3.36। ये 10 पहले लिख दिया मैंने, फिर 3.36 डाल दी, इसको सॉल्व कर लेना, यू गॉट द वैल्यू ऑफ रो वाई। तो कमेंट में जरूर लिख के भेजना क्या आंसर है। नेक्स्ट है रेडियस ऑफ एयर बबल एट द बॉटम ऑफ द लेक इज आर। बॉटम ऑफ द लेक पे जो रेडियस ऑफ बबल है वो हमारा है आर, ठीक है। उसके बाद कह रहा है इट बिकम्स 2R व्हेन एयर बबल राइज टू द टॉप सर्फेस ऑफ द लेक। जब टॉप सर्फेस ऑफ द लेक पे आ जाएगा तो जो हमारे पास उसने कह दिया भी रेडियस है वो 2R हो गया। इफ पी इज द वाटर बी पी सेंटीमीटर ऑफ वाटर बी द एटमोसफेरिक प्रेशर, यानी पी सेंटीमीटर ऑफ वाटर एटमोसफेरिक प्रेशर के बराबर कहा है इसने, देन द डेप्थ ऑफ द लेक। तो डेप्थ ऑफ द लेक हमसे पूछी गई है क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन में जब भी रेडियस ऑफ एयर बबल है, बॉटम ऑफ द लेक है, ऊपर आ रहा है, राइज स्टॉप कर रहा है, तो इसमें ना एक चीज़ मानते हैं भी ये यहाँ पर इतना था यहाँ पर इतना आ गया, तो ये मानते हैं ये जो सारी प्रोसेस है ये आइसोथर्मल है। कौन सी प्रोसेस है? ये आइसोथर्मल है, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम एट द बॉटम ऑफ द लेक इज इक्वल टू प्रेशर इनटू वॉल्यूम एट द अपर ऑफ द बॉयल्स लॉ आप कह देते हैं, बट लेकिन ये ऐसे अभी आइसोथर्मल कंडीशन है, बेसिकली टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा ये माना जाता है। तो P1V1 तो पहले का जो प्रेशर है अगर लेक के डाउन में पूछें तो एक तो एटमोसफेरिक प्रेशर लग रहा है, एक इस हाइट के कारण प्रेशर लग रहा है, तो मैं कह सकता हूँ पी सेंटीमीटर ऑफ वाटर दिया इसने पी सेंटीमीटर, यानी ये इसने तो जब आपने ये आइसोथर्मल कंडीशन है प्रेशर वन इक्वल टू प्रेशर वॉल्यूम वन ऐसे जैसे करना है, तो जो प्रेशर है देखो पी सेंटीमीटर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ वाटर डेप्थ लेवल है, और आपको मैंने लिए लिया जैसे पी, तो ना इस चीज़ को ऐसे सोचो पहले तो यहाँ पर जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो अब एटमॉस्फेयर की जगह आपने ले लेना पी सेंटीमीटर ऑफ वाटर है, तो पी तो ये पी सेंटीमीटर ये पी वो वाला है, ये एक तरीके से लेंथ है, ठीक है। जैसे प्रेशर होता है ना रो जी एच, तो ये हाइट दे दी इसने ये एच है जी, एंड जो हमारा रो है वो वाटर की टर्म में ही है, तो ये रो यानी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज बेसिकली पी रो जी वेयर रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर। तो इसने क्वेश्चन में एक गिवन दिया है वाटर की जो हाइट अगर वो पी है तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो होगा पी रो जी, तो ये रो तो डेंसिटी वाटर ही होगा ना, तो ठीक है। तो पी वन में की बात करें तो पी वन ये नीचे वाला हिस्सा है, इधर एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा प्लस प्रेशर ड्यू टू हाइट लगेगा, तो प्रेशर ड्यू टू हाइट कितना होगा दैट इज रो जी एच। तो मैंने मान लिया ये जो इसकी डेप्थ है एच की जगह मैं अगर एक्स मानूँ तो मैं लिख सकता हूँ रो जी एक्स, यानी रो की जगह डी है डी जी एक्स। तो चलो सर ये समझ में आ गया। प्रेशर टू अगर इधर बोलें तो इधर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक ही है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनटू वॉल्यूम टू, इसमें वॉल्यूम डालना था, वॉल्यूम इधर कितना होगा 4/3 πr³, तो इसमें रेडियस आर था, तो इधर जो वॉल्यूम है 4/3 πr, कितना है इसका 2R का क्यूब, ठीक है सर 2R का होल क्यूब हो गया। अब ध्यान से देखो इस चीज़ को, ठीक है। अब पी एटमॉस्फेयर को मैं क्या लिख सकता हूँ रो जी एच, ठीक है। तो रो हमारे पास वाटर की रो है, जी जी है, हाइट कितनी दी है मैंने इधर ना डेंसिटी ऑफ वाटर डी ले ली है, तो इधर भी अब आप डी ले लो डी जी पी प्लस डी जी एक्स इंटू 4/3 πr³। एटमॉस्फेरिक प्रेशर फिर कितना हो जाएगा डी जी रो इंटू 4/3 π² का होल क्यूब। तो यानी अभी हमें ये क्वेश्चन तो क्लियर नहीं हो रहा क्योंकि हमें ये नहीं पता लग रहा है अभी जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना वो 10^5 गिवन नहीं है क्वेश्चन में, उन्होंने किया है पी सेंटीमीटर ऑफ वाटर, तो हाइट ऑफ वाटर में हमेशा प्रेशर होता है रो जी एच, तो रो को मैंने पहले रो लिया था तो थोड़ी कन्फ्यूजन ना होगी, तो मैं दोबारा से तो करके रिपीट करूँ तो आप डी ले लीजिए इसको डी जी हाइट कितनी है पी, तो यानी जो मेरा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो डी जी पी हो गया, पी हाइट है डी डेंसिटी है, तो जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। चलो आगे देखते हैं।
वाटर फ्रॉम अ टैप इमर्जेस वर्टिकली डाउनवर्ड. एक वाटर है वो वर्टिकली टैप से डाउनवर्ड नीचे गिर रहा है. सपोज मैंने मान लिया ये टैप है, यूं कर गई हूँ, और यहाँ से पानी यूं कर गई हूँ नीचे आ रहा है, ठीक है. तो उसने कह दिया वर्टिकली डाउनवर्ड विद द इनिशियल वेलोसिटी 4, इधर वेलोसिटी 4 है. द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टैप इज ए, इसका सरफेस एरिया मतलब इसका ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है. द फ्लो इज स्टेडी एंड प्रेशर इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द स्ट्रीम, प्रेशर सारी जगह स्ट्रीम का सेम आना है. द डिस्टेंस हाइट एच, यानी अगर मैंने बोल दिया ये हाइट एच है, देर इज अ क्रॉस सेक्शन एरिया 2/3 ए, यानी अब उसने कह दिया जो यहाँ पर जो एरिया है वो अब ए नहीं है, वो 2/3 ए है, यानी छोटा हो गया. उसने पूछा है डिस्टेंस एच, एच पूछा है, ये हाइट पूछी है. तो सबसे पहले देखो कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन निकालेंगे, एरिया एंड वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंट होता है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2. तो A1 हमारा A है इंटू वेलोसिटी 4 है, A2 हमारा 2/3 ऑफ A है, और वेलोसिटी V2 है. A ने A को हमारा 2 × 4, 3 × 6, यानी वेलोसिटी कितना आ गया 6, ठीक है सर. अब हम क्या करेंगे, बर्नौलीज लगाएंगे. कहाँ लगाएंगे सर बर्नौलीज? सर आपने ना दोनों जगह पे, एक यहाँ पर और यहाँ पर बर्नौली अप्लाई करनी है. तो प्रेशर तो दोनों जगह सेम है, वैसे मैं लिख देता हूँ, वैसे ज़रूरत नहीं है. हाफ रो वी वन का स्केयर प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू पी, पी सेम ही है, हाफ रो वी टू का स्केयर प्लस रो जी एच टू. तो मैंने नहीं करना, क्वेश्चन अपने आप निकालिए. तो जो रो जी एच टू, सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने एच वन ले ली और यहाँ से लेके यहाँ तक एच टू ले ली, तो जो एच वन माइनस एच टू है वही आपने एच है, तो वो आपने निकालना है. तो इसको कॉमन ले लोगे तो पी ने पी को मार दिया, तो यहाँ पर आ गया हाफ रो वी टू स्केयर माइनस वी वन स्केयर. तो यहाँ पर आ गया रो जी कॉमन ले लिया, एच वन माइनस एच टू आ गया, दैट इज एच जो आपने डिटरमाइन करना है. रो ने रो को काट दिया, बाकी सारी वैल्यूज गिवन अपने आप कीजिए इसको, ठीक है. नेक्स्ट इज द टर्मिनल स्पीड ऑफ स्फीयर गोल्ड डेंसिटी, अगर इतनी है तो इसकी इतनी है 0.2 meter per second इन अ विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी इतनी है. देन द टर्मिनल स्पीड ऑफ द स्फीयर ऑफ सिल्वर इन द सेम साइज ऑफ द सेम लिक्विड, यानी देखो टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू रो माइनस सिग्मा, वे रो इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी. तो आपने करना है वी वन बाई वी टू डालकर, तो आपकी डेंसिटी अलग अलग है बॉडी की. पहले यहाँ पर रो आपका क्या था, गोल्ड था, माइनस सिग्मा डेंसिटी ऑफ वाटर है या लिक्विड है जो भी है, ये डेंसिटी ऑफ किसकी है, दैट इज सिल्वर माइनस सिग्मा. तो आपने, आपको ये तीन चीज़ें की बना, देखो एक तो गोल्ड की डेंसिटी मालूम है, ठीक है सर, सिल्वर की डेंसिटी मालूम है, आपको विस्कस लिक्विड यानी सिग्मा भी गिवन है, आपको एक की वेलोसिटी भी गिवन है, दैट इज़ इसकी 0.2, यानी आपने V2 निकालनी है, कैलकुलेट योर सेल्फ, ठीक है. अ लार्ज ओपन टैंक टू होल्स इन इट्स वॉल, वन इज स्केयर एंड अनदर इज अदर इज सर्कुलर होल. जो होल है वो जो पहले साइड स्केयर है एट अ डेप्थ एक्स फ्रॉम द टॉप. देखो ऐसे मैं इसको डायग्राम बना लेता हूँ. सपोज ऐसे है, स्केयर होल यहाँ पर दिया आपको, ये स्केयर दे दिया, ठीक है. इसकी साइड कितनी है, ये है और साइड ए, एंड एट डेप्थ एक्स फ्रॉम द टॉप, यहाँ पर जो डेप्थ है वो एक्स है, ठीक है. दूसरा केस है, सेम ही डायग्राम है, इसका रेडियस आर था, सॉरी इसका रेडियस आर है, अब यहाँ पर एक गोला बनाया, इसका रेडियस आर है और इसकी जो डेप्थ है वो 4x फ्रॉम द टॉप है, ये जो हाइट है वो 4x है. When the tank is completely filled with water, the quantity of water flowing out per second from both the hole are same. यानी rate of flow दोनों का same दे दी है. Q1 is equal to Q2, वो same है. तो water is flowing per second from the same. Then R is equal to, उन्होंने radius हमसे पूछा है. तो देखो इसमें जो velocity होती है ना यहाँ से जो बाहर निकलती है वो क्या होती है, V equal to √2gh, √2gh, where h is the side, ठीक है. तो यानी √2gh की जगह V² डाल देता हूँ. तो यानी अगर मैं एरिया एंड वेलोसिटी बोलूँ तो इस पहले केस में जो एरिया है वो कितना है, देखो इसकी साइड ए दी है तो स्केयर की साइड ए, यानी इसका एरिया ए स्केयर हो गया. तो रेट ऑफ फ्लो का फॉर्मूला एरिया एंड वेलोसिटी होता है, तो ये भी आपको मालूम है. तो ये ए एरिया है और ये एरिया नहीं है, ये स्केयर की साइड दी है, तो मैंने एरिया साइड स्केयर कर लिया, एरिया हो गया. इंटू वेलोसिटी होगी इसकी √2g, इसकी हाइट एक्स, इज इक्वल टू जो सर्कुलर एरिया है उसका एरिया होता है पाई आर स्केयर,
ठीक है, इसकी वेलोसिटी रूट टू जी, इसकी हाइट एक्स की जगह कहाँ दी है, फोर एक्स दी है, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए एंड यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। ठीक है, तो समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था। दो चीज़ें लगी हैं, जो वेलोसिटी होती है फ्री सरफेस से रूट टू जी एच होती है, ठीक है, वो रूट टू जी एच डाल दी, इसमें रूट टू जी एक्स होगी, इसमें रूट टू जी फोर एक्स होगी, इनटू एरिया, इसका एरिया साइड का स्केयर होगा, इसका पाई आर स्केयर होगा। ठीक है, सर समझ में आ गया। तो ये लास्ट क्वेश्चन आज के लिए आपका होमवर्क है, तो इसको सॉल्व कीजिए, तो मुझे सेंड करना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।